वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अनमोल विचार चैनल विच तुहाडा स्वागत है। अपनी अज दी वीडियो दा विषय है कि पेके घर दीआं सियाणियां धीआं आखिरकार सहुरे घर दे विच आ के माड़ियां नूहां क्यों बन जांदियां ने, एकदम उहनां दी जिंदगी दे विच एड्डा वड्डा बदलाव क्यों आउंदा है। अज दी वीडियो दे विच आपां इसे विषय दे उत्ते गल करनी आ। इस करके पूरी ही वीडियो नूं अंत तक ध्यान दे नाल सुनना अते समझना। अते जो भी तुहाडे घर दी समस्या है, चाहे तुसीं नौ हो सस हो, तुहानूं किस समस्या दे विच दी गुजरना पैंदा है, वह अपनी समस्या जेकर हो सके तो कमेंट बॉक्स दे विच जरूर शेयर करना, तां जो आपां उस टॉपिक दे उत्ते अगली वीडियो बना सकीए। क्योंकि अज दी वीडियो दे विच आपां सिर्फ एक पक्ष तों गल करनी है, क्योंकि देखो जी इह नौ सस दा जां पेके सहुरे घर दा मसला बहुत वड्डा है। इहदे उत्ते आपां जिन्नी मर्जी गल कर सकदे आ, क्योंकि हर घर दी अलग कहानी हुंदी आ, अलग हालात होंगे ने, तो सब नूं आपां इक्को नज़र दे नाल नहीं देख सकते, सब दे लई इक्को सलाह इक्को राय काम नहीं कर सकती, हर एक दी वख वख कहानी आ। ते इस करके जे चाहो तो कमेंट बॉक्स दे विच अपनी समस्या जरूर लिखनी, जेकर आपां उस विषय दे उत्ते गल कर सकते हो तो आपां अगली वीडियो दे विच उस टॉपिक ते गल करांगे। अते जेकर अज दी वीडियो तुहानूं चंगी लगी जां अज दी वीडियो दे विच जो आपां गल करन जा रहे हां इस दे बारे तुसीं अपनी सलाह अपने विचार जरूर दसने ने, तां आओ अज दी वीडियो शुरू करदे हां। तां देखो जी, आपां अक्सर देखदे हां कि कई लड़कियां अपने पेके घर दे विच बहुत सियाणी धी दे नाम नाल जानी जांदी है, भाव कि सारा घर उहदे कंट्रोल दे विच हुंदा है, घर दा सौदा जां रिश्तेदारियां दे विच किस तरां मिलना वरतना है, उहनूं हर दुख सुख दे विच वरतन दा चंगी तरां पता हुंदा है, अते उस सियाणी धी दी घर दे निक्के वड्डे फैसलिआं दे विच सलाह मंगी जांदी है अते उस दी दित्ती हुई सलाह मन्नी वी जांदी है, अते कई वार कई घर दे फैसले उह धी करदी वी आ, अते उहदी इसे सियाणप दे चर्चे गली गवांढ रिश्तेदारी दे विच वी हुंदे ने, भाव कि सब पासे उसनूं माण सन्मान मिलदा है, सारे पासे उहदी सियाणप दे गुण गाए जांदे ने कि इहो जिही धी रब सब नूं दवे कि बहुत सियाणी धी आ, इन्नी कु सियाणी हुंदी आ कि मावां नूं घर दा फिकर नहीं हुंदा। पर जदों ही उस धी दा विआह हो जांदा है, जदों सहुरे घर दे विच आउंदी आ, उत्थे एक सियाणी नौ नहीं बन पाउंदी, उत्थे ओह माड़ी नौ बन के रह जांदी आ। तां अजिहा क्यों हुंदा है, इसे विषय दे उत्ते आपां अज दी वीडियो विच गल करनी आ कि आखिरकार सियाणी धी माड़ी नौ क्यों बनदी। तां देखो जी, इस दे कई कारण ने, जिस तरह आपां पहलां वी गल कीती कि हर एक घर दी वक्खरी वक्खरी कहानियां वक्खरे वक्खरे हालात ने, जिस तरह हर एक नौ माड़ी नहीं हुंदी उसे तरह यह भी सच आ कि हर एक नौ चंगी भी नहीं होंगी। कई नौवां जो सहुरे घर दे विच विआहियां आउंदियां ने तां सहुरा परिवार उस दे उत्ते दबाव पा लैंदा है अते ओह सारी उम्र दब के रह जांदी है, पर कई अजिहियां भैणां हुंदियां जो आउंदिआं सार अपना दबाव सहुरे परिवार दे उत्ते पा लैंदियां ने। तां आपां अज दी वीडियो विच गल करनी आ कि जिहड़ी पेकी घर दे विच बहुत सियाणी सी पर सहुरे घर दे विच आ के उस नूं की हो गिआ। तां देखो जी, घर दी धी पेके घर दे विच सियाणी इस करके सी क्योंकि उस दे कोल बहुत सारे हक सन, बड़े अधिकार सन, अते सब तो वड्डी गल कि उस दे उत्ते विश्वास कीता जांदा सी, पर जदों ही उह सहुरे घर दे विच आउंदी आ तां उहदे इह सारे हक खो लए जांदे ने। इवें कई घरां दी गल करदी आ, सारे घरां दी नहीं, बहुते घरां दे विच अजिहा हुंदा है कि जदों ही नौ विआह के घर दे विच आउंदी आ तां अक्सर उहनूं इह कह के पिछे कर दित्ता जांदा है कि इह तां बगानी आ, इहनूं अपने घर दे मामलिआं दा की पता, अते कई मामलिआं दे विच उहनूं दूर रख्या जांदा है। उह किस करके, क्योंकि विआह करन वेले कई झूठ बोले हुंदे ने, कई लकोर रखे हुंदे ने, उहनां लकोर नूं होर लकोण वास्ते, ओल्यां नूं होर ओल्ले रखण वास्ते कुझ झूठ होर बोलणे पैंदे आ, अते कुझ समें दे लई उहनूं अपने मामलिआं तों दूर रख्या जांदा है तां जो इहनूं छेती साडे घर दा भेत ना आ जावे। पर ये दूरी हौली हौली कद वड्डी दूरी बन जांदी है, पता ही नहीं चलदा, क्योंकि नौ दूर हुंदी हुंदी इन्नी दूर हो जांदी है कि फिर वो
फिर वह सहुरे परिवार की परवाह ही नहीं करती। उस औरत दे विच सियाणप उही हुंदी आ, पर सियाणप तां ही काम करेगी ना जो आप उत्ते कोई जिम्मेवारी पावांगे, जो कोई हक देवांगे फैसला करन दा, जो कोई सलाह दिंदी आ उहदी सलाह नूं मन्निया जावेगा तां ही पता लगेगा इह सुचज्जी आ जां फिर कुचज्जी। पर जो आप आपदे मामलियां तों दूर रखांगे, उहनूं विच बोलण दा हक ही नहीं देना, तां फिर असीं उहदी सियाणप नूं जज किस तरह कर सकदे आ। इस करके जेकर आप चाहते हैं कि घर दे विच सुख शांति बनी रहे, उस सियाणी धी सियाणी नौ बन के सहुरे घर दे विच रहे, तो फिर चाहिदा ये आ कि घर दे विच आई नौ नूं पूरा मान सत्कार मिले, उन्हूं भी पूरे हक अधिकार मिलन घर दे फैसलियां दे विच बोलण दे, घर दे फैसले लैण दे। जदों भी कोई घर दा फैसला करना है उसनूं भी नाल बिठाओ, उहदी भी सलाह मंगो। जेकर सलाह सियाणी लगदी है तां उहदी सलाह नूं मनणा भी चाहिदा है, चंगे कम्मां दे लई उहनूं शाबाशी देनी चाहीदी है, तां घर दे विच अपने आप सुख शांति रहेगी। पर जदों आपां हर वार उहनूं बगानी कह के हर वार उहनूं इह कह देणा कि तैनूं तां साडे घर दा पता ही नहीं आ, तूं तां अजे नवीं आई आ, तां फिर उह वी कह दिंदी आ वी जे मैं बगानी आ नवीं आ तां फिर मैं इहनां दे मामलियां दे विच पै के की लैणा, फिर उलझदे रहिण कल्ले ही। पर जो आप सारे मामलों के नाल लैके चलेंगे तो भी एक जिम्मेवार नौ बनेगी। सियाणे कहिंदे आ भी सियाणी सस उह हुंदी आ जो अपने नौ दे औगुणा नूं अपनी नौ दीआं कमियां नूं ढक लैंदी आ अते उहनां कमियां नूं उहनां औगुणा नूं अपनी सियाणप दे नाल भर दिंदी आ, भाव अपने गुण अपनी नौ दे विच भर देवे, क्योंकि हुण आउंदिआं तां उहनूं घर दा भेत आवेगा नहीं, उहनूं आपां दस्सांगे फिर ही पता लगेगा ना कि आपां कहिड़ी रिश्तेदारी दे विच किस तरह मिलना है, किस तरह वरतना है, अपने घर दे की हालात ने, अपने घर दी किन्नी आमदनी आ, आपां घर विच खर्चे किंज करने ने। इह जिन्नी छेती जिम्मेवारी पावांगे उन्नी ही उन्ने ही सौखे रहांगे, पर जिन्ना उहनूं घर दे मामलियां तों दूर रखांगे उन्ने ही औखे होवांगे। हुण जे मान लो घर दे विच आमदनी घट आ, हुण उहनूं पता ही नहीं विचारी नूं कि साडे घर दे हालात की ने, उहनूं तां इह दस्सिआ गिआ ना तेरा सहुरा परिवार घरों बहुत सौखा है पैसे वाला है, तां उहने तां उसे हिसाब दे नाल पैसा खर्चना है। पर जेकर आपां घर दे सही सही हालात उहनूं दस्सांगे तो वह जरूर जिम्मेवार बनेगी। देखो जी जो भी नौ आउंदी है ना, जेकर सस यह गल समझ ले अगे चल के ये सारी जिम्मेवारी मेरी नौ ने चुकनी है, सब पासे इसने वरतना है, ये घर इसका है, इन्हें इहदी जिम्मेवारी संभालनी है, तो फिर उत्थे रौला नहीं पैंदा। अते ये गल समझनी चाहीदी है, क्योंकि ये तो है नहीं कि वह एक मेहमान आ तो वह कुछ दिनों बाद उन्हें वापस चले जाना है, उन्हें इसे घर दे विच रहना है। ये मसले वार वार उहदे सामने आउणगे, एक ना एक दिन तुहाडे घर दे हालातां दा, तुहाडे घर दीआं मजबूरियां दा, तुहाडे घर दीआं कमियां दा पता लग के रहना है। पर जेकर तुसीं दसोगे तां उहनूं दुख नहीं होवेगा, पर जेकर उह कमियां उह हालात बाहरों पता लगे तां फिर दुख होवेगा अते फिर कलेश वी होवेगा। इस करके जो भी अपने घर दे हालात आ ना, आउंदे सार अपनी नौ धी नूं दस दो। तां इह तुसीं एक पहलू जिस दे उत्ते आपां अज गल कीती कि हर घर दी कहानी वक्री वक्री हुंदी आ, जेकर हर एक नौ माड़ी नहीं हुंदी तां हर एक नौ सियाणी भी नहीं हुंदी, कई नौहां ही बहुत कपत्तियां हुंदियां ने। तां अज दी वीडियो दे विच तां आपां सियाणियां धीआं दी सियाणियां नौहां दी गल कीती आ, अगली वीडियो दे विच जिस टॉपिक दे उत्ते तुसीं कहोगे उसे ते आपां गल करांगे। इस करके कमेंट बॉक्स दे विच अपने विचार अपने सुझाव जरूर दसने, अते जेकर वीडियो दे विच कोई भी गलती रह गई होवे, कुछ गलत बोलिया गया होवे जिस दे नाल किसी दे मन नूं ठेस पहुंची होवे ओ माफ कर देना, क्योंकि अपना वीडियो बनाउण दा मकसद ये नहीं कि आपां किसे दे मन नूं ठेस पहुंचाउणी आ। वीडियो बनाउण दा मकसद ये हुंदा कि जेकर साडे विच कोई भी कमी पेशी आ जिस कारण करके साडे घर दा माहौल खराब हो रहा है, तां हुण आपां अपने आप दे विच विचार करिए कि कित्थे जे कमी आ। ये एक सिर्फ सलाह है, आखिरी फैसला तां तुहाडा ही आ, जो तुहानूं ठीक लगदा तुसीं उही करना है, ये एक सिर्फ सलाह वजो। तां जेकर कोई गलती हो गई होई अपनी छोटी जां वड्डी भैण समझ के माफ कर देना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।